मैं कहा तुम्हें डर नहीं लगता भी कल आरएसएस वाले या बीजेपी वाले थोड़ा आके मूहे सवाल कर लग जा कुछ बोलने लग जा किसी तरह नुकसान कर देन भी थोड़ा डर नहीं लगता इस गल जो तुम भी बोलते हो कदे नकम्मे तो झूठे तो जालम तो डरना नहीं चाहिए आरएसएस वाले नकम्मे ने मैं कहा जो आपदे लोगों के प्रति हमदर्दी नहीं हिंदुस्तान के पब्लिक के प्रति जड़े बंद हमदर्दी नहीं उन्होंने आप कहे जेडे मुल्क का आरएसएस ते बीजेपी ने ठेका लिया तो वो उन्होंने ठेकों का ठेकेदार अपना मोदी है जिद करोना आया इन्होंने कई बंद रोटी खवाई है पूछ लो तो जिन्होंने कहते कि इन्होंने अकल नहीं ये जट बूट है पीएम केयर फंड भी लिया उस वे केयर फंड लिया हूँ पता लगता है भी कि फंड है हिलजुल देखने मिलती पी जे हिसाब से चलता पाया वा पहले आड़ी दिखाते थे हूँ थोड़े थोड़े हिले नजर कटदे जवाई दिया रड़कां जालम धरां जड़ियां पब्लिक नूं टुक ते डेले तो वध कुछ नहीं समझदियां फिर उन्हां दा अंदरला हलना शुरू हो जांदा हुण इह भी हलना शुरू हो गया इह पक्की गल है कि सारे हिंदुस्तान तक संघर्ष फैल गया और शांत होकर फैलिया जिथे किते सरकार दी पुट्ठा प्रापेगंडा करन दी कोशिश की जाती है उत्थे लोग उन्हां दी खुंभ ठप दिंदे आ लोगों के सवालों का जवाब नहीं हुंदा उन्होंने कोले हुण कोई चारा नहीं भी चलो मैं हुण गल करदा मतलब भी तुसी इस नूं किवें देखदे हो भी जिहड़ा इन्ना जाने कि 100% कह के लैंदे ने भी असीं तां आवांगे पंजाब दे बीजेपी आऊ कहिंदे पंजाब दे विच बेटे रौला तां आया जदों कहिंदे भी सारियां सीटां ते असीं खड़े करांगे हुण गल इहदी उल्ट कढ़ो इह सारियां सीटां ते ना इन्हां दा खड़िआं दा दम निकल जूगा देखो यूपी तो आई हुई एक बच्ची गल करती है तो अखा भर के कहती है भी काश मैं पंजाब से होती कमाल नहीं उन्हें तो नहीं कहा कि मैं मोदी से होती या योगी से होती ना मैं पंजाब से होती ठीक है ना असी तो धियां बनाइया धियां रखांगे मन के मते ना चालिए मन पलक पलक में होर ठीक है मन तो बहुत चंचल है ये अपने प्रधानमंत्री का चंचल मन है ठीक है कुतकताड़ियां करता लोगों से आपदे जिस्म तो भी करता है। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ गुरदीप सिंह लम्मे खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ लगातार किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के हर कोई जुड़िया है चाहे कोई कारोबारी होवे चाहे कोई व्यापारी होवे कोई भी होवे चाहे किसान तो इलावा कोई नॉर्मल बंदा भी होवे वो भी जिहड़ा किसानां दे नाल जुड़े आ ते किसानां दे नाल संघर्ष कर रहा है खेती कानूनां नूं वापस दिलवाउण दे लई लेकिन जिहड़ी सरकार है वो इन्नी जिद दिखा रही है अमेंडमेंट दे उत्ते अड़ी हुई है कहिंदी कि असीं अमेंडमेंट कर सकदे आ वापस नहीं लै सकदे रिपील नहीं कर सकदे सो अज दे दिन जिहड़ा आ किसान जथेबंदियां दे वल्लों कहा गया सीगा कि भुख हड़ताल शुरू की जाऊगी 11-11 जिहड़े मैंबर लगातार बैठन गए भुख हड़ताल के उत्ते रिले हड़ताल की जाऊगी और लगातार चलूगी जिस तों बाद केंद्रीय सरकार दे वल्लों सद्दा दिता गया अज कि अज जिहड़ी आ दुबारा तो मीटिंग दे लई सद्दा दिता गया है और किसान जथेबंदियां दे वल्लों भी ऐलान किया गया कि जरूर की जाऊगी मीटिंग लेकिन किस तरीके दे नाल की जाऊ की रणनीति होगी इस दे बारे तुहानूं दस्सांगे तो अज साडे नाल इस वेले मौजूद आ बापू बलकौर सिंह जी और एम बी डी दे मॉल दे बाहर मौजूद हाँ इत्थे लगातार 43वें दिन तो जिहड़ा आ 43वें दिन भी अज धरना प्रदर्शन चल रहा किसानां दा गलबात करदे आ बापू जी बहुत बहुत स्वागत है सब तो पहला अपने प्रदर्शन चलते पे ने किन्ने दिन हो चुके ने केंद्र सरकार जी है हले भी अड़ी दिखाती पी है पहला किसानों ने कहा कि असी अपनी जी मंग जी रखते मनो मने नहीं जो हम किसानों ने रिले जी आपकी घोषणा करती कि भुख हड़ताल की जाऊगी 11-11 जने बैठे रहने लगातार हूँ सदा आ गया हूँ की कहोगे देखो बेटा ये बंदे को समझ नहीं ना है ये उदों ही चलता ना जो मौत नेड़े आ जदों प्यार सत्कार नाल उन्हें नाल गल करते भी गल करो उदों तां गल करन नूं तैयार नहीं कदे उच्चा तां नहीं बोलिया किसान बेनतियां करता रहा भी आपां नूं विचार लगे जी विचार तो बाद सियाणे बंदिआं नूं विच पाया अर्थशास्त्री विच पए वकील विच पए सारिआं ने वेख्या भी इह कानून रखण दे काबल नहीं हन इह रिपील करन दे काबल है जिहड़ा संघर्ष है वो हिंदुस्तान तक फैल चुकया ये पक्की गल है कि सारे हिंदुस्तान तक संघर्ष फैल गया और शांत होकर फैलिया जिथे कि सरकार की पुट्ठा प्रापेगंडा करने की कोशिश की जाती है
उत्थे लोग उन्हां दी खुंभ ठप दिंदे आ, लोगों के सवालों का जवाब नहीं हुंदा उन्हां कोले। इहदे कोले हुण कोई चारा नहीं भी चलो मैं हुण गल करदा कर ले धन भाग, गल का सद्दा पूरी तरह प्रवान है। हाँ लंगर पक्का, गुरु घर के नेड़े आए बंदे नूं भुखा नहीं जाण दिंदे, उन्हूं सरोपा भी पाउने आ, लंगर भी खवाउने आ। हाँ गल मैं चेते कराती, प्रधानमंत्री दिल्ली गुरुद्वारा साहब गए रकाबगंज, उत्थे मत्था टेकिया ते उत्थे सिख सरदार साहब अपने बंदे जिहड़े सीगे अपने सिख नौजवान बैठे ने उत्थे दिल्ली बॉर्डर ते, उत्थे ओह सी दिल्ली दे विच मत्था टेकण जांदे प्रधानमंत्री ते उन्होंने नाल सैल्फियां खिचाउंदे पए ने ओह लोक ओह सरदार अपने, ते उन्होंने सवाल पुछण दी बजाय उन्होंने सैल्फियां करवाउंदी, तुसीं इहदे की कहणा? देखो वीरिया, जे तुसीं हरेक सरदार नूं कहो वी ओह बड़ा चेतना है, जां हरेक सरदार जिहड़ा गुरुद्वारे च बैठा है बहुत चेतना है, इस तरह नहीं हुंदा। ठीक है, उन्हां दी इक मर्यादा है, प्रधानमंत्री आया सरोपा दित्ता लंगर छके प्रसाद भी दिने आ लवे, पर उहदे कोले खड़ के उहदे नाल बदकलामी करन दा भी कोई अर्थ नहीं। खड़ा लिया फोटोआं खिचवा लिया कोई फर्क नहीं पैंदा, इहदे नाल की फर्क पैंदा? पता भी मोदी है भी कहड़ा मोदी है जिहड़ा किसानां दी गल नहीं मनदा, ठीक है ना, इस करके इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। पर उहदे नाल ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਊਗਾ। ਹਿਲ ਜੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਹੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਚੇਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਰੋਹ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਬਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਅਤੇ ਡੇਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਫੈਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਿਕੰਮਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਕੈਨ ਡੂ ਨੋ ਰੋਂਗ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੂੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੱਚ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚਾਲਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਰਨ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੈਮਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, RSS ਔਰ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ RSS ਵਾਲੇ ਜਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਜਣ, ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲੱਜਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਕਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। RSS ਵਾਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 6-6 ਵਾਰੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ।
इन्हों जिने नेता ने ते जिने अभिनेता ने नेता ते अभिनेता और निक्की जी अपनी निक्की जी पनीरी नंगी कर दें इन्हों भी आ वेखो जी आ करतूत की है ये देश प्रेम का मखौटा ला देना हिंदुस्तान का बच्चा जड़ा इतने जाता है ये पक्की गल है कि देश प्रेमी है तो कल्ली RSS या BJP देश प्रेमी नहीं हरेक बच्चा इस धरती से जोड़ा जमदा पहला साह लेंदा वो देश प्रेमी है और पक्की गल मौका आने इन दो बंद छड़ के सारे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के लिए वध कुरबानी करने तैयार ने और करते रहे इतिहास गवाह इनू मिटा देने इतिहास में मन जाएंगे मन की बात सुनते हो मैं कदे कदे सुन लैना क्योंकि सुनने के काबिल नहीं होंगी मन में लगता भी जोड़ा बंदा मन आइया करता है मन आइया मन के मते ना चालिए मन पलक पलक में होर ठीक है मन तो बहुत चंचल है ये अपने प्रधानमंत्री का चंचल मन है ठीक है कुतकताड़ियाँ करता लोगों से आपदे जसूत भी करता है गलत ही नहीं मानते हैं जो किसान हुण देखो अपने 2 महीने एजुटेशन चलती पी सी अपने पंजाब दे विच हरियाणे दे विच भी चलती पी सी एजुटेशन लगातार चल रहा है ते उत्थों जिहड़े मीडिया जिहड़े हैगे ने अदारे समझ गए मैं किन्हां नूं कहना पिया वा ते ओह मीडिया अदारे कहिंदे कि इह इकदम आ गए इकदम आ के बैठ गए साडे दिल्ली वालों नूं परेशान कीता पिया जो दिल्ली वालों नाल गल करदे ने पत्रकार जाए कहिंदे जी सानूं कोई परेशानी नहीं हैगी इह मतलब रिप्रेजेंट इदां करन लगे होए ने कि पंजाब वालिआं ने आ के इत्थे डेरा ला लिया ते सानूं इत्थे खराब करदे पए ने वेखो वीरिआ पंजाबी किते वी जावे कदे ओह किसे नूं हरास नहीं करदा कदे तंग नहीं करदा जे वो हाथ च रोटी आया तो खाँदा खाँदा अद्धी रोटी वंड दिंदा भी भाई मैं खाण लगा खा जी 550 वरे तो लगातार चल रही है फिर आही मुल्ख जेडे मुल्ख का RSS ते BJP ने ठेका लिया तो वो बड़े ठेकों का ठेकेदार अपना मोदी है जिदे करोना आया इन्होंने कै बंद रोटी खवाई है पूछ लो तो जिन्होंने कहते कि इन्हों अकल नहीं ये जट बूट है PM केयर फंड भी लिया उस वे केयर फंड लिया हूँ पता लगता है भी केड़ा फंड है समझ नहीं आती निफर फंड है कि केयर फंड है ठीक है वह भी एक बहुत बड़ा ठगी का फंड है तो नंगी आ जानी है कोई बात नहीं सरकार बदलिया सब कुछ नंगा हो जाता है इस करके लोगों का यह कहना कि असी देश भगत ये नहीं मैं समझना भी छोटा बंदा किसान मजदूर गरीब हर राज करदा श्रेणी के अधिकारी नालों व्यापारी नालों पुजारी नालों दरबारी नालों देश भगत हुंदा है मैं थोड़े दिन पहला ही ना BJP वालों की करदा पैसी इंटरव्यू करके हटिया तो उत्थे उन्होंने एक बड़ी ही दावा किया जाने कि हरेक दावा करता BJP वाला भी असी सारिया सीटा लै जाएंगे पंजाब दे विचों मतलब भी तुसी इस नूं किवें देखदे हो भी जिहड़ा इन्ना जाने कि 100% कह के लैंदे ने भी असी तां आवांगे पंजाब दे BJP आऊगे ने पंजाब दे विच ओह हुण भरम ना पालना पहला लोग भुलेखा खा गए कदे कदे अनभोल लोग मासूम लोग भुलेखा खा जाते हैं तो सारे पंजाब दियां सीटां जे जिताउणगे तो फिर किसी नूं की इतराज़ है पंजाबी जिता देण कदे उन्हां नूं भी जमें मान देण पंजाबी इन्हां नूं रौला तो यह जो कहिंदे भी सारिया सीटां ते असीं खड़े करांगे हुण गल इहदी उल्ट कढो ये सारिया सीटां ते ना इन्हां दा खड़िआं दा दम निकल जूगा हुण आपां फिर आह जिहड़ी लड़ाई लड़दे पए आ हुण किसानां दी किसानों के अंदोलन चलते पे ने आप खेती कानून के खिलाफ संघर्ष करते पे हाँ इस संघर्ष को जितने तो बाद EVM वाला मुद्दा चकना फिर वाकई का चकना चाहिए वाकई का चकना पूरा चकना चाहिए क्यों नहीं जिहड़ी भी किते भी रोग है किते भी बीमारी उसका इलाज करना है EVM का वेखो ना EVM अपना मुल्क जिहड़ा दुनिया का मन्या होया सब तो अनपढ़ पछड़े मुल्क है ये तो पक्की गल है गल वक्री है कि इतों की जिहड़ी हाकम श्रेणी बड़ी बेईमान है ठीक है अमरीका किन्ना पढ़ा दुनिया की पहली सब तो बड़ी ताकत है उत्थे परची नाल ट्रंप लोगों ने परची नाल हराया तो किन्ने थां उन्हें अपीलां कीतियां मुकदमे कीते तो हराता कोर्टां ने हाँ इत्थे दंगे हो जाने सी इंग्लैंड च परची नाल जर्मन परची नाल जापान च परची नाल चीन च परची नाल रूस च परची नाल EVM वाले आ जिहड़े ये किहड़ी गल करदे ने समझ गए सारा ठगी का टोला बनाया ये इनू कहें प्रोग्रामिंग की कई हाईजैक कर ली नहीं प्रोग्रामिंग इस ढंग की है भी जो 3 वोटा फलाने पैन उदो बाद चौथी वोट जिन्हों मर्जी पवे सू पैजू ये प्रोग्रामिंग है और किसी को पता नहीं जिन्होंने किए उन्होंने 3 बंदे बेचारे दुनिया तो तोड़ दिते गए एक भज के अमरीका जा वड़िया जो बसदा रहे उसकी उम्र बड़ी हो
जो तकड़ी दूजी बारी सरकार आई जो सामने आए वो दस दूगा भी आ ठगी बजी है जी, इस करके ये भी कोर्ट नू कट दिता जाएगा। मैं तो कहने ईवीएम तो बंद होनी चाहिए है, जे ईवीएम चलती रही फिर शायद हो सकता है। ये हुण मान लो ईवीएम दे हुण गल्लां चलदियां पईआं ने, नाल बस किसानी संघर्ष भी चलता पिया वा, ईवीएम दी गल्लां पहलां भी तोरियां गईआं सीगीआं, तां ब्रेन वॉश इन्ना हो चुकिआ जिहड़े बीजेपी दे सपोर्टर ने उह कहिंदे आ वी पंजाब वाले गलत ने, जिहड़े उत्थे किसान बैठे आ वी उह गलत ने, उहनां नूं कुछ पता ही नहीं कहिंदे। पता कहिंदे सारा कुछ पता तां हवे अनपढ़ होण, इह जिहड़े साडे प्रधान मूहरे लगे आ ग्रहां साहब वो पढ़े लिखे ने, कोई अनपढ़ नहीं है, बड़े प्रधान आ जो साडे जिहड़ा जनरल ना साडा वो पढ़िया लिखिया बिल्कुल अनपढ़ नहीं है, जे अनपढ़ समझदे प्रधान साडे नूं। तुसीं कहना चाहुंदे संघर्ष दे बारे? संघर्ष अज तक बहुत वधिया शांतिपूर्वक चल रहा, ये बंद होने चाहिए, काले कानून मतलब किसानों नाल धक्का नहीं होना चाहिए, मोदी नूं सोचना चाहिए इस गल बारे भी किन्ना चिर हो गया, मतलब किन्नियां उत्थे किन्ने किसानों ने शहीदियां पातियां, ठंड च बैठे आ बच्चे छोटे छोटे बैठे आ, मातावां बैठियां भैणां बैठियां ने, मतलब इस चीज़ नूं सोच के उन्हां नूं ये बंद कर देना चाहिए, अगे नहीं चलाना चाहिए, इसनूं बदलना नहीं चाहिए। अखीरला क्वेश्चन तुहाडे कोल आउणा वा कि किसानों नूं जिहड़े उत्थे संघर्ष करदे पए ने, उत्थे जिहड़े नौजवान बैठे ने, मुंडे ने, अपनी कुड़ियां ने, अपनी भैणां ने, अपनी बजुर्ग मातावां भी बैठे, बजुर्ग बैठे ने, उन्हां नूं की सुनेहा देना चाहुंदे जिहड़े बैठे? मैं इहनूं हुण की सुनेहा दे सकदा, मैं तां उहनां तों सुनेहा लैंदा वी कमाल है, इन्ना उन्हां दे विच अनुशासन, इन्ना प्यार, इन्ना सिदक, इन्ना सिरड़, जिहड़े कहिंदे वी तां आवारा ने जी, शराबी कबाबी ने जी, हरेक दे गल पैंदे ने जी, ये तां जट बूट लफ्ज़ बड़े भेड़े वरतदे आ, यह जी खालिस्तानियां अतवादी है, बकवादी है, प्रो लैफ्ट, अल्ट्रा लैफ्ट, पता नहीं किहड़ा किहड़ा जिन्ने फिडे छित्र अपने गल च पा रहे, वो पर लोग समझ रहे हैं। देखो यूपी तो आई हुई एक बच्ची गल करती है, अखां भर के कहती है भी काश मैं पंजाब से होती, कमाल नहीं, उन्हें तो नहीं कहा कि मैं मोदी से होती या योगी से होती, ना मैं पंजाब से होती, ठीक है ना, असी तो धियां बनाइया धियां रखांगे, तो साडे सिखां दे विच ते पंजाबियां दे विच असी हमेशा धी ध्याणी की पहला इज्जत करते हैं, अबदाली तो धियां नूं असी छड़ाया, देखो जिद्दे अबदाली ने हमला किया किन्हां नूं हराया, मराठियां नूं, मुगलां नूं हराया, फिर पंजाब मनी पै गया, पंजाब दे निंगां ने खाना के 32 के 33 हज़ार बंदा मारा गया सी, फिर भी अबदाली नूं भजाया, धियां नूं छड़ाया, घरों घर ही भजाया और इज्जत रखी धी बना के, जे किसी नूं उस धी नूं नहीं चलिया तां धी बना के प्यो दा रोल अदा करके उहदी शादी कीती, इह आ पंजाब दा किरदार, साडे इतिहास दा किरदार, असीं इह किरदार नूं हमेशा उत्ते रखांगे, ते हिंदुस्तान दी कोई भी जम्मी जिहड़ी धी है उह साडी धी आ। सो ये तुसीं सुणिया बापू बलकौर जी नूं, किसान जथेबंदियां भी इत्थे मौजूद सीगियां, सो लगातार ये भी इत्थे प्रदर्शन जिथे चलते पे ने, धरने ते आउंदे ने, ते तुसीं गल्लां बातां सुणियां कि जिहड़े किसान ने संघर्ष करते पे ने उहनां नूं संघर्ष नूं कमज़ोर करन दे लई जो बीजेपी दा आईटी सैल जां होर कई आईटी सैल लगे होए ने, तां उह कमज़ोर नहीं कीता जाऊगा, होण दित्ता जाऊगा, ते लगातार किसानां दा जिहड़ा संघर्ष आ उस नूं पूरी सपोर्ट दित्ती जाऊगी। सो वधेरी अपडेट्स जी, जुड़ रहो लुधियाना टाइम्स दे नाल, कैमरामैन सतवंत मथाउड़ दे नाल गुरदीप सिंह लम्मे, लुधियाना टाइम्स। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।